उज्जैन की घटिया विधानसभा सीट से एक बार फिर युवा प्रत्याशी सतीश मालवीय ने जीत दर्ज कराई है। हमारे साथ सतीश मालवीय है, क्या जीत का मंत्र है आपकी, जो जीत हुई है इसका मंत्र क्या है? देखो, जीत का मंत्र कुछ नहीं, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है। क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है, विकास करने वाली सरकार को आशीर्वाद दिया है, सुशासन करने वाली, सुशासन लाने वाली सरकार को आशीर्वाद दिया है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर विकसित, मध्य प्रदेश को विकसित करने का काम मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हुआ है, तो उनके ऊपर विश्वास जताकर भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्र की जनता ने, हमारे घटिया विधानसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधु जिन्होंने दिन रात मेहनत करके, जी तोड़ मेहनत करके इस विधानसभा को जिताने का काम किया है, तो उनकी मेहनत का फल है कि आज में 17,500 से अधिक मतों से आज विजय सत्ता। ये बताएं सतीश मालवीय जी कि अभी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कई बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाया है, आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आप किसे ज्यादा पसंद करेंगे? ये सब केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, इसमें मेरा किसी प्रकार कमेंट्स नहीं करूंगा। तो ये और बताएं आपके जो तमाम नेता लड़ रहे थे, सब दूर जीत हुई है, किस तरीके की अपेक्षा थी आप लोगों? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता मन बना चुकी थी और उन्होंने मन बना लिया था क्षेत्र के, मध्य प्रदेश की समस्त हमारी माता बहनों का, किसान भाइयों का, युवा साथियों का और व्यापारी वर्ग का मन बन चुका था कि ये जनहितकारी जो सरकार है, अगर कोई है तो इस मध्य प्रदेश के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति जनता का जो असीम प्रेम और विश्वास था, तो एक विश्वास की जीत। लाडली बहना ने भी कुछ काम किया है? बिल्कुल, लाडली बहना का आशीर्वाद हम सब लोगों को मिला है। और कौन सी योजना ऐसी है जिसको लेकर आप कहेंगे कि आप जब ग्रामीण क्षेत्रों में गए तो लोगों ने ये कहा कि इस योजना की वजह से हम बीजेपी की ओर ज्यादा आकर्षण हमारा बढ़ा? कितनी योजना गिनाए, मध्य प्रदेश के अंदर लगातार 2003 से 2023 के बीच में 1.5 साल का कालखंड अगर छोड़ दे तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निरंतर ही क्षेत्र के जनहित का, जन जन की, जन जन के लाडले नेता शिवराज सिंह जी चौहान ने हर वर्ग को किस प्रकार से लाभ दिया जाए उसकी चिंता करी है। चाहे किसान के लिए किया हो, सम्मान निधि देने का काम किया हो, चाहे लाडली लक्ष्मी के माध्यम से बहनों को सहयोग करने का काम किया हो, चाहे युवा साथियों को पढ़ाई लिखाई के लिए उनको प्रोत्साहित करने का काम किया हो, चाहे वृद्ध माताओं को, वृद्ध जनों को तीर्थ कराने का काम किया है, तो निश्चित ही इस प्रकार के लगातार दीन दुखियों की सेवा करने का काम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, तो उनका आशीर्वाद हम सब लोगों को मिला है। पहली प्राथमिकता क्या रही है क्षेत्र में? जितने भी विकास के काम 2018 से 23 के बीच में रुके थे, उनको पुनः सुचारू रूप से चालू करके क्षेत्र को विकसित करने का मेरा प्रमुख हम लोगों का प्राथमिकता रहेगी। ये थे सतीश मालवीय जो कि दूसरी बार विधायक बने हैं। इन्होंने कहा है कि जो लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना से लेकर जो शिवराज सरकार की योजनाएं थी वो काफी कारगर साबित हुई है। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज, उज्जैन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।